देखिए, ढाई घंटे का भाषण दिया डिफेंस मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए एचएएल को इस सरकार ने दिए हैं। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। यहां पे उनकी स्टेटमेंट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स एंड केसेस एट टेक्निकल इवेल्युएशन कमिटी। टेक्निकल इवेल्युएशन का मतलब पैसा देना नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने 73,000 करोड़ का दिया है ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। और जो एक्चुअल पैसा दिया गया है वो 26,570 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक झूठ बोला, दूसरे भी दो तीन झूठ बोले हैं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल, और मैं फिर से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं और निर्मला सीतारमण जी से पूछता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने राफाल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? जब मैंने यह सवाल निर्मला सीतारमण से पार्लियामेंट में पूछा, उन्होंने बहुत लंबी बहाने की कहानी थी कि मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, ये वो है, वो भी झूठ था। मगर हां और ना का जवाब निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं निर्मला सीतारमण जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, जब आपने बाईपास सर्जरी की, 126 से 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला, क्या एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने आपके इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप दो एक शब्द का सवाल जवाब दे दीजिए, या हां कह दीजिए या ना कह दीजिए। आखिरी बात, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम एचएएल की मदद कर रहे हैं। छोटा सा सवाल, डेसॉल्ट कंपनी ने एक भी हवाई जहाज डिलीवर नहीं किया है, आज तक एक हवाई जहाज नहीं आया है। डेसॉल्ट कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने पेमेंट दे दिया है। एचएएल कंपनी हवाई जहाज डिलीवर कर गई, हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए हैं, और 15,700 करोड़ रुपए उनका पैसा आप उनको नहीं दे रहे हो, उनका ड्यू है। फॉरेन कंपनी अनिल अंबानी की के मित्र 20,000 करोड़ रुपए बिना एक हवाई जहाज बनाए आप दे देते हो, और पब्लिक सेक्टर कंपनी हेलीकॉप्टर बनाए आपको दे दे, हवाई जहाज बना के दे दे, आप उनको उनका पैसा नहीं दे रहे हो, क्यों, क्या कारण है इसका, इसका भी जवाब दे दीजिए। और मेन मुद्दा यहां मैं फिर से युवाओं को बताना चाहता हूं, यह आपका पैसा है, यह अनिल अंबानी का पैसा नहीं है। और जो ढाई घंटे का भाषण डिफेंस मिनिस्टर, उनको डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के स्पोक्समैन कहना चाहिए, जो उन्होंने ढाई घंटा का भाषण दिया उसमें उन्होंने दो तीन चीजें नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने मेरा यस नो का जवाब नहीं दिया। नंबर दो, उन्होंने यह नहीं बताया कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को किस बेसिस पे दिए गए, और इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और आपने देखा भाई और बहनों कि देश के जो चौकीदार हैं वो लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, लोकसभा में आने से डरते हैं, राफाल के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ डिबेट कर जाएं
मुझे 15 मिनट दे दो, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट, 16 नहीं चाहता हूं मैं, पूरे देश को समझ आ जाएगा राफेल में क्या है। नहीं आ सकते हैं क्योंकि चौकीदार ने चोरी कराई है। और पूछिए, पहले निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग रहे थे, आप अभी भी उस पर कायम हैं? सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने क्लियरली, यहाँ देखिए, झूठ बोला है लोकसभा में, क्लियरली झूठ बोला है। बोला है 1,00,000 करोड़ रुपए के हमने ऑर्डर एचएएल को दिए हैं। उन्हीं की स्टेटमेंट में आज वो कह रही है 26,570, और उन्हीं के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये जो बाकी 73,000 करोड़ है, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो रहा है इनका। टेक्निकल इवैल्यूएशन का मतलब पैसा नहीं होता है मैडम, तो क्लियरली झूठ बोल रही है। और वो तो डिस्ट्रैक्शन वाला झूठ था, वो तो देश की नजर को उधर करने का झूठ था। मेन जो उन्होंने झूठ बोला, जब मैंने यस नो का सवाल पूछा, उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया, मुझे ह्यूमिलिएट किया, मैं मिडिल क्लास की हूं। सबसे पहले वो मिडिल क्लास की नहीं है, मगर वो अलग बात है। हमारा सवाल, उसका आप जवाब दीजिए ना। और मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि भैया 2 पैराग्राफ का जवाब दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया वहां पे 2 घंटे का भाषण दो, मैं सिर्फ कह रहा हूं आप यस नो बोल दो। और हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उनको पूछिए आप, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, युवाओं सुनो, नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास किया, 126 करोड़ रुपए हवाई, 126 हवाई जहाज और 526 करोड़ रुपए पर हवाई जहाज नरेंद्र मोदी ने कैंसिल किया और नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, 1600 करोड़ रुपए और 36 हवाई जहाज। डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैंने नहीं किया, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री का जो सीनियर मोस्ट आदमी है उसने कह दिया मैंने नहीं किया। मतलब एक ही आदमी कर सकता है, नरेंद्र मोदी। अब लोगों ने नेगोशिएशन किया, 8 साल 10 साल नेगोशिएशन चल रहा था। जिन लोगों ने नेगोशिएशन किया उनको इतराज हुआ होगा कि भाई प्रधानमंत्री ने कैसे कर दिया, हमारा काम रद्द कर दिया। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, जब प्रधानमंत्री ने बाईपास सर्जरी की, उन लोगों ने जिन्होंने नेगोशिएशन किया था, एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था? क्या उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी बाईपास सर्जरिंग आवर वर्क? क्या उन्होंने कहा? निर्मला सीतारमण जी, यस नो, जस्ट वन वर्ड, यस और नो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर, सीबीआई को लेकर के आज सपा बसपा ने हंगामा किया है राज्यसभा में, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, देखिए एचएएल पीपल, आई हैव बीन टू एचएएल, आई हैव स्पोकन टू द पीपल इन एचएएल, एंड यू हैव सीन पब्लिकली HL employees saying that we are being starved, we are being destroyed. Why was it necessary to destroy HL? You have to understand that. Because with a strong HL, you simply cannot give that contract to anybody else. So you have to undermine HL, which is what the government is doing. They're saying HL can't build anything. But Anil Ambani can. Anil Ambani has never built anything in his life. He's never built an aircraft in his life. HL has built multiple different types of aircraft. So the strategy of the government, weaken HL, don't give them money, destroy India's strategic capability and give the gift to Anil Ambani. That is the plan. And that is what we are trying to thwart. We are protecting the HL and we are telling the people of this country, the youngsters of this country, that we are not going to allow 30,000 crores of your money to be taken by Anil Ambani because he's Mr. Narendra Modi's friend. Thank you very much. Sir.